नमस्कार, हमारे चैनल ब्राइट स्पॉट पर आपका स्वागत है। आज हम इस तरह का देखिए बेबी शूज बनाएंगे और इसको हम यहां से बनाएंगे। सोल बनाएंगे पहले नीचे का। इसके लिए मैंने 11 नंबर की सलाइयां ली हैं और इकहरे ऊन से हम फंदे डालेंगे इसमें, और 32 फंदे हमको डालने हैं, तो उसको हम 32 फंदे डाल के तैयार करते हैं। फंदे डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमें आगे बुनाई किस तरह से बुननी है। हमने इसमें 32 फंदे डाल लिए हैं और हम यहां से बनाना, ये वाला पार्ट हम पहले बनाना शुरू करेंगे। इस सोल को हम बनाएंगे तो इसके लिए 32 फंदे डाल लिए हैं और इस सलाई को, पहली सलाई हमको सीधी सीधी बुनकर तैयार करनी है। सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे। इस तरह से पूरी सलाई हम सीधी बुनेंगे। पहली सलाई हमने बुन करके तैयार कर ली, ये सीधी सीधी हमने बुन ली है। अब हम सेकंड रो पर आ गए। इसमें हमको पहला फंदा इस तरह से हम उतार लेंगे। देखिए इस तरह से हम बिना बुना उतार लेंगे पहला फंदा, और पहले और दूसरा फंदे को इसको हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए एक फंदा हमने बुन लिया और एक फंदा अब हम बढ़ाएंगे, तो हम इस तरह से बढ़ाएंगे। हमने ऊन आगे कर ली और अब हमें 13 फंदे यहां पर बुनने हैं। एक, दो, तीन, चार, देखिए 13 फंदे हमने बुन लिए। अब हमको यहां पर एक फंदा बढ़ाना है, तो हम ऊन आगे करेंगे और ये फंदे हमें दो सीधे बुनने हैं। एक फंदा ये देखिए हमारा इस तरह से जब हम बुन रहे हैं, एक हमने जब आगे कर लिया है और इस तरह से जब हम बुन रहे हैं तो ये फंदा हमारा बढ़ रहा है। ये देखिए एक फंदा हमारा यहां पर बढ़ गया, तो दो फंदे हमको सीधे बुनने हैं। फिर हम एक फंदा बढ़ाएंगे और 13 फंदे हमको सीधे बुनने हैं। एक, दो, 13 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हमको फिर एक फंदा बढ़ाना है, उन आगे करेंगे और इन दो फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, और इसी के साथ हमारा ये फंदा बढ़ जाता है। ये देखिए, और उल्टी सिलाई पर देखिए हमको कैसे बुनना है। पहला फंदा हम उतार लेंगे और इसको हमें सीधा बुनना है। ये देखिए इसको सीधा बुना, और जो फंदा हमने बढ़ाया था उसको हमें यहां से नहीं लेना है, इसको हम पीछे से लेंगे यहां से। ये देखिए बढ़ा हुआ फंदा, ये हमारा बढ़ा हुआ फंदा, इस तरह से हमको लेना है। और सभी फंदे हमको, जितने भी हमने फंदे बढ़ाए हैं उनको हम सब पीछे से ही लेंगे और सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये सीधी सिलाई करके हम कंप्लीट करते हैं। थर्ड रो बनाकर हमने कंप्लीट कर ली। अब हम फोर्थ रो पे आ गए। पहला फंदा हम इसमें उतारेंगे और दो फंदे हमको इसमें सीधे बुनने हैं। एक, दो, दो फंदे हमने सीधे बुन लिए। एक फंदा हम बढ़ाएंगे और अब हमको 13 फंदे सीधे बुनने हैं। 13 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 13 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हम एक फंदा बढ़ाएंगे और 4 फंदे हमें बीच में ये सीधे बुनने हैं। अभी हमने दो सीधे बुने थे, अब हमें 4 बुनने हैं। एक, दो, तीन, चार, ये 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। एक फंदा हम बढ़ाएंगे और फिर इसके बाद फिर हमको 13 फंदे बुनने हैं। दो, ये 13 फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर हमको एक बढ़ाना है और 3 फंदे ये सीधे बुनने हैं। एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे बुन लिए। उल्टी सिलाई हमको पूरी सीधी बुननी है। ये सीधी बुन करके कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हम 6 रो पे आ गए। पहला फंदा हम इसमें उतारेंगे और अब हमको 3 फंदे सीधे बुनने हैं। एक, दो, तीन, ये 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब हमको एक फंदा बढ़ाना है और फिर हमको 13 फंदे सीधे बुनने हैं। 13 फंदे हमने सीधे बुन लिए। एक फंदा हम बढ़ाएंगे और अब हमें बीच में ये 6 फंदे सीधे बुनने हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6 फंदे। ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। एक हमने यहां पर बढ़ाएंगे और अब हमें 13 फंदे फिर सीधे बुनने हैं। दो, तीन,
13 फंदे हमने सीधे बुन लिए, एक हमने बढ़ा लिया, और ये चार फंदे हैं, ये चार फंदों को हमें सीधा बुनना है। एक, दो, तीन और चार, और उल्टी सिलाई हमको पूरी सीधी बुननी है। ये सीधी बुन करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम 8th रो पे आ गए। अब हमें पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये चार फंदे हमको सीधे बुनने हैं। दो, तीन, चार, चार फंदे हमने सीधे बुन लिए, एक फंदा बढ़ाएंगे और 13 फंदे हमको सीधे बुनने हैं। फिर दो, 13 फंदे हमने सीधे बुन लिए, अब हम एक फंदा बढ़ाएंगे और अब हमें 8 फंदे सीधे बुनने हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, 8, और एक फंदा हमको बढ़ाना है और ये 13 फंदे हमको सीधे बुनने हैं। एक, दो, 13 फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर हमको एक फंदा बढ़ाना है। एक फंदा बढ़ा लिया और ये 5 फंदे हैं, इन 5 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अब हमारे फंदे सभी बढ़ गए, अब हमको फंदे नहीं बढ़ाने हैं। अब हमारे ये बढ़कर के फंदे हो गए हैं 48, 32 फंदे थे, चार रो में हमने चार चार फंदे बढ़ाए तो हमारे 48 फंदे हो गए। और उल्टी सिलाई हमको पूरी सीधी बुननी है और इस तरह से हम सीधी दोनों तरफ से सीधी बुनते हुए 5 रो हम बना करके तैयार करते हैं। फिर आपको दिखाएंगे 5 रो बनाने के बाद कि हमें किस तरह से बुनना है। पहला फंदा उतारेंगे और सीधा दोनों तरफ से सीधा बुनते हुए 5 रो तैयार करेंगे। ये 5 सिलाइयां हमने सीधी सीधी बुन करके तैयार कर ली। अब हमारी ये 7 रो बन करके तैयार हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 रो हमारी तैयार हो गई। अब हमको 8 सिलाइयां सीधी उल्टी बुननी है और हम उसे सीधी तरफ से बुनेंगे। तो इसको हमें कैसे बुनना है, इधर से सभी फंदे हमें सीधे सीधे बुनने हैं। इधर से हम सब फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, इस तरह से, इस तरह से हम पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे। सीधी सिलाई बुन करके हमने कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए और उल्टी सिलाई को हमें पूरा उल्टा उल्टा बुनना है। ये पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये सभी फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। इसी तरह से हमको 8 सिलाइयां बुन करके तैयार करनी है। ये देखिए, अब हम का ये वाला पार्ट बुन रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, ये वाले पार्ट है, इसको हम बुनेंगे। 8 सिलाइयां बुन करके हम तैयार करेंगे, आगे से सीधी और पीछे से उल्टी। इतना बुन लेते हैं, फिर आपको दिखा रहे हैं कि आगे हमें किस तरह से बुनना है। हमने 8 सिलाइयां बुन करके ये तैयार कर ली। आपको इसको कैसे आप गिनेंगे, ये देखिए, एक, यहां से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। 8 सिलाइयां हमारी यहां से हम गिन लेंगे तो हमारी 8 सिलाइयां ये कंप्लीट हो गई। अब हम सीधी रो पे हैं। अब हमको फंदों को इस तरह से, ये देखिए, ये फंदे जो हमने रिड्यूस किए हैं, घटाए हैं फंदे, हमको फंदे घटाने हैं। ये वाला पार्ट हम बुनेंगे। इसके लिए पहला फंदा हम उतारेंगे और हमको 22 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। 22 फंदे बुन लेंगे, फिर बीच में हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से हमको फंदे घटाने हैं। ये 22 फंदे बुनने के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 22, ये 22 फंदे हो गए। अब हमको बीच में, ये देखिए, इस तरह से ये फंदा हम लेंगे और इसको हम पलट लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमने पलट लिया और इसको यहां से 2 का 1 करना है। ये देखिए, ये हमने 2 का 1 किया इस तरह से, और इस वाले 2 को 1 को 2 का 1 कर लिया। अब हम फिर 2 का 1 करेंगे इधर से, इसको हमें इस तरह से लेना है। ये देखिए, ये 2 फंदे हमारे यहां पर घट गए और ये 22 फंदे हमारे बचे हैं। इन 22 फंदों को हमें सीधा सीधा बुन लेना है और उल्टी सिलाई हमको पूरी उल्टी बुननी है। इसी तरह से हम पूरी सीधी बुन लेंगे। इधर से 22 फंदे हमको सीधे बुनने हैं और उधर से पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। अब हम
सेकंड रो पर आ गए, ये हमने सीधी और उल्टी दो सलाइयां बुन ली, यहां हमने दो फंदे घटाए थे। अब हमें यहां पर फिर दो फंदे घटाने हैं। पहले हमने 22 फंदे सीधे बुने थे, अब हम 21 फंदे सीधे बुनेंगे, 21 फंदे बुन लेंगे और वहीं पर हमको बीच में दो फंदे घटाने हैं। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये 21 फंदे हमने बुन लिए। अब हमको यहां पर एक फंदा घटाना है। ये देखिए, इसको हम पलट लेंगे और इस तरह से हमको दो का एक करना है, और ये वाला फंदा जो है वो हम इस तरह से आगे से इस तरह से लेंगे और इस तरह से हम फंदे को करेंगे। ये देखिए, और ये सभी 21 फंदे हमको इसी तरह से बुनने हैं। और जब हमारे ये इधर 30 फंदे रह जाएंगे तब तक हमको दोनों दो दो फंदे यहां पर घटाने हैं। 30 फंदे रह जाने तक इतना बुन करके हम तैयार करते हैं, फिर आगे दिखाएंगे आपको कि किस तरह से हमको आगे बुनना है। 30 फंदे रह जाने तक हम फंदे सब घटा लेंगे। ये देखिए, हमारे ये सभी फंदे हमने घटा दिए, यहां 30 फंदे रह गए हैं। हमने 18 फंदे घटाए हैं। अब हम सीधी सिलाई बुन लेंगे और उल्टी सिलाई पर ये हमको डोरी डालने के लिए हमको जाली बनानी है। तो हम पहले सीधी सिलाई बुन करके तैयार करेंगे और उल्टी सिलाई पर हम जाली बनाएंगे। ये सीधी सिलाई हमको, इसमें कोई फंदा हमको घटाना या बढ़ाना नहीं है, पूरी सिलाई हमको सीधी बुननी है। सीधी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली, अब हम उल्टी सिलाई पर जाली बनाएंगे। तो इसके लिए पहला फंदा हमें उतारना है और ऊन को हम पीछे करेंगे इस तरह से, और दो का एक करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम दो का एक करेंगे। ये देखिए, दो का एक किया और फिर हमें ऊन को पीछे करना है, फिर हम दो का एक करेंगे। ये देखिए, ऊन को हमें पीछे करना है और हमको दो का एक करना है। इसी तरह से हमको पूरी सिलाई, सभी फंदे हमें इसी तरह से करने हैं। ये ऊन को पीछे करते जाएंगे और ये दो का एक करते जाएंगे। इसी तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमारी ये जाली पड़ करके तैयार हो गई। अब इस रो को हम सीधा सीधा बुनेंगे, हमको इसको सीधा बुनना है। पहला फंदा हम उतार लेंगे और सभी फंदे हमको सीधे सीधे बुनने हैं। और इसको इस देखिए, यहां से नहीं लेना, इस तरह से हम लेंगे जिससे हमारी ये जाली बन जाए। ये देखिए, इस तरह से हम उसको बुनते जाएंगे और पूरी रो कंप्लीट करेंगे इसी तरह से बुनकर। देखिए, हमारी ये जाली बन करके तैयार हो गई डोरी डालने के लिए। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए। उल्टी सिलाई पर हमको 9 रो अब हमें सीधी सीधी बनानी है इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी है 9 रो हम बनाएंगे, 9 सिलाइयां बुनेंगे। 9 सिलाइयां बुन करके हमको तैयार करनी है, जिनके यहां से हम सीधा सीधा बुनेंगे, इधर से भी हम उल्टी तरफ से भी सीधा बुनेंगे और सीधी तरफ से भी हमको सीधा ही बुनना है। इस तरह से हम सीधी सीधी सिलाइयां बुन करके 9 सिलाइयां बुन करके तैयार करेंगे। 9 सिलाइयां हमने बुन करके तैयार कर ली। ये देखिए, एक रो हमारी 2 सिलाइयों से बनती है, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी बन गई। इसी तरह से हमने देखिए इसमें भी बनाई थी, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम सीधी सिलाई पर हैं और फंदे हमको सब बंद करने हैं। तो हमें किस तरह से, पहला फंदा हम उतारेंगे और ये फंदा हमको बुनना है, और इस तरह से हमको दो का एक हम करते जाएंगे, इसके ऊपर से लेंगे और इस तरह से हम फंदा घटाते जाएंगे। फिर ये हमको बुनना है इस तरह से, और ये फंदा इसके ऊपर से हम देखिए इस तरह से कर देंगे, ये बुनेंगे और इसको हम इसके ऊपर से इस तरह से करते जाएंगे इस तरह। ये देखिए, इसको बुनेंगे और इसके ऊपर से हम उतारेंगे, इसको बुनेंगे और इसके ऊपर से हम ये उतारते जाएंगे।
देखिए इस तरह से सभी फंदे हम इस तरह से बंद कर लेंगे। ये देखिए हमने सभी फंदे घटा दिए और ये एक फंदा हमारा बचा है। इस फंदे को हम इस तरह से इसके अंदर से ये देखिए इस तरह से लेंगे और ये ऊन को इस तरह से कस देंगे और थोड़ी ऊन हमको सिलाई के लिए बचानी है तो इसमें से हम थोड़ी ऊन बचा लेंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे और ये ऊन हटा देंगे। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया। अब हमें इसकी सिलाई करनी है तो इस तरह से देखिए इस तरह से यहां तक हम इसकी सिलाई करेंगे और फिर हमको यहां सिलाई करनी है यहां से यहां तक। ये देखिए देखिए यहां से यहां पर फंदे को हम सेट करेंगे इस तरह से देखिए और अब हमको सिलाई करनी है तो ये हमारा जो है इस तरह से यहां से हम एक फंदा लेंगे इस तरह से और एक इसमें से लेंगे इस तरह से हम इसको सिलते जाएंगे। एक इधर से लेंगे और एक हमको इसमें से लेना है। ये देखिए इसमें से फिर हम एक इधर से लेंगे और एक इसमें से इस तरह से हमको पूरी सिलाई करनी है। इस तरह से हम सिल करके कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमने सिल करके तैयार कर लिया है और अब हम इसमें डोरी डालेंगे। ये डोरी बना करके तैयार की है इसको हम इसमें डालेंगे यहां पर इसमें इस तरह से डालते हुए किनारे से भी डाल सकते हैं बीच में। देखिए हम इस तरह से डालेंगे इसको। हमने डोरी डाल करके अपने बेबी शूज को तैयार कर लिया है। हमारे बेबी शूज बन करके ये देखे तैयार हो गए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।